खबर तो प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आज औरंगाबाद क्षेत्र में अवैध कटिया पालों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान में अवैध कनेक्शन कटिया बाईपास गलत कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई कर रही है। जिनके कनेक्शन वैध हैं उनके कनेक्शन को तार जोड़ दिया जा रहा है, जिनके अवैध हैं उनके तारों को पोल पर से उतारा जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पोल पर से अनगिनत तार दिख रहे हैं। उस अनगिनत तार में बिजलियों को तारों को हटाया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि जो अपना बकाया बिल अवैध कनेक्शन है। अरुण कुमार चौरसिया है जी। चौरसिया जी, आज आपकी ये मोहल्ले में लाइन कट रही है, विद्युत आपूर्ति जो लोग अवैध कनेक्शन जोड़े आए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जो अवैध कनेक्शन जिसका है वो समझे, जिसका सही है तो वो हम लोग यही साफ पूछे, हम लोगों के साथ हम लोग कनेक्शन दिखा रहे हैं, कहने के जो लीजिए नंबर नोट कर ले रहे हैं। तो लगातार प्रयास हो रहा है इस तरह से अवैध कटिया पे अवैध कनेक्शन होते हैं। हाँ हाँ, बराबर हो रहा है। तो आप जागरूक नागरिक हैं आपने? भाई हम तो हैं, जागरूक हैं तभी तो कर रहे हैं। और ये भी है कि बारिश हो किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो जे साहब उनका समस्त स्टाफ इस बारिश में भी जो है विद्युत आपूर्ति जो गड़बड़ है उसको बना करके अब सही दे रहे हैं। बरसात के मौसम हमेशा लाइन की समस्या ज़्यादा रहती है, तो इस वक्त वर्तमान में जो लाइन व्यवस्था है संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, बहुत बढ़िया लाइन। कोई फॉल्ट वगैरह आती है कभी तो क्या तत्काल दूर हो जाती है? नहीं, तत्काल तो कैसे दूर होगा, जब बड़ी कोई फॉल्ट होता है तो उसमें टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है। अगर आपके घर की लाइन खराब होती है तो आप किसी लाइन में सहारा लेते हैं? नहीं, हम जेई साहब और उनके स्टाफ से बात करते हैं तुरंत, तो तत्काल समाधान हो जाता है। पक्का। क्या उद्देश्य है? मैं जमुना प्रसाद और अभियंता 35/11 के विद्युत केंद्र। हम लोग ये अभियान जो चल रहा है, एक तो आगामी दशहरा और दुर्गा पूजा को देखते हुए जो पोल पे बहुत ज़्यादा केबल जो है बंधी हुई थी उनको साफ कराया गया, और इसमें जिनका वैध संयोजन है उनको तुरंत उनको जोड़ दिया गया, और जिनका बकाया है, हम लोग का दूसरा अभियान ये भी है कि बकाया पे जो है लाइन चेंज करना है, और बकाया उनका जमा होने के उपरांत उसको फिर से पुनः जोड़ दिया जाएगा। और इसमें जो कटिया हटाओ अभियान एक हम लोग का तीसरा जो बात है इसमें कटिया हटाओ अभियान है कि जिनका वैध संयोजन नहीं है उनको जो है उनकी केबल काट करके नष्ट कर दी जा रही है, और यदि वो भविष्य में कनेक्शन लेते हैं तो उनका जो है संयोजन कर दिया जाएगा। और क्या पाया आपने इसमें? हमने अभी तक जो यहाँ पर लगभग 50-60 के लिए थे उनमें अभी हमने कटवाया है, तो लगभग 16-17 कनेक्शन अभी तक लोग लाए हैं, दिखाए हैं। अगर वो और कनेक्शन में बढ़ते हैं ला कर दिखाते हैं तो उनकी केबलें जोड़ेंगे, अन्यथा की जो केबलें हैं उनको काट करके उनको सपोर्ट कर ली जाएंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी उनसे जो बिना बिजली कनेक्शन के लाइट लगाए हैं, तार हैं, जो बिना कनेक्शन सामने नहीं आ रहा है, जो सामने नहीं, अगर वो इस समय स्थिति सामने नहीं आता है इस समय उसकी केबल काट लीजिए, अगर भविष्य में वो फिर से अगर जोड़ता है, अगर मतलब आता है वो सामने, उस पर जो विधिक कार्रवाई है 435 के अंतर्गत FIR के प्राथमिकता दर्ज कराई। सरकार लगातार आदेश कर रही है कि जितनी भी बिजली है बिजली की समस्या को दूर किया जाए, तो क्या ऐसे बिजली की समस्या दूर होगी, लाइन कटते होगी, या फिर इस तरह अवैध कनेक्शन जो जोड़े जा रहे हैं इस पर? निश्चय ही इससे जो है जो अवैध कनेक्शन हटेंगे तो उसके विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा, नया कनेक्शन भी आएंगे, और जो समस्याएं हैं आए दिन फॉल्ट की, अवैध जो कटिया कनेक्शन की वजह से लोगों के इधर उधर खींचतान से जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, तार टूटना यथासंभव जो है, तार जो जर्जर हो जाते हैं कटिया के कारण, ये सभी समस्याएं जो है निश्चित ही साल होंगी। सर देखा जाए तो आप लोग कनेक्शन काट देते हैं और प्राइवेट लोगों किसी न किसी जाकर जोड़ देते हैं, तो क्या कार्रवाई होगी? प्राइवेट लोगों को भी उनकी शिनाख्त की जाती है, यदि अगर वो पकड़ में आ जाते हैं तो उनके ऊपर भी जो है हमारे लाइन का जो छेड़छाड़ का जो एक विद्युत अधिनियम की धारा 136 है उसके तहत जो है हम लोग उनके लिए भी कार्रवाई करते हैं।